कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉपर बन सकता है, लेकिन मेरे बताए गए तरीकों को यदि आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। इसलिए जितने भी कमजोर विद्यार्थी जो समझते हैं कि मैं टॉपर नहीं बन सकता हूँ, अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता हूँ, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को बिना स्किप किए सोल्यूशन तक जरूर देखेगा अगर टॉपर बनना है तब। देखिए, जो कमजोर विद्यार्थी है, सबसे पहले तो वो कमजोर होते क्यों है? वो कमजोर इसलिए होता है क्योंकि उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होती है। और रियलिटी बात है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कमजोर है चाहे तेज है, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन कमजोर विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूं, जितना भी टाइम बचा है, 1 महीने 2 महीने एग्जाम का, जितना भी दिन टाइम बचा है, उतने ही दिनों में टॉपर कैसे बनना है उसके 2-3 काम करने बस है। पहला काम क्या करना है कि आपको 6 घंटे का टाइम टेबल फिक्स करना है बाबू, क्योंकि आप जिस क्लास में भी होंगे तो उसमें 5-6 किताब होता है, वो 5-6 किताब आपको पढ़ने होते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बातें क्या रही वो समझिएगा। सबसे पहला काम, आप 6 घंटे का मिनिमम, कम से कम 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का। अगर 6 घंटे से कम का तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टॉपर वही बन पाता है जो जिसका पकड़ सभी विषय पर होता है। मैं यहाँ पर किताब पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। सबसे पहला काम, 6 घंटे का टाइम टेबल आपको तैयार करना है। जब 6 घंटे का टाइम टेबल तैयार हो जाएगा तो देखो, प्रत्येक घंटा में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करने हैं। जैसे मान लो कि 1 घंटा मैथ का, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा हिस्ट्री का, 1 घंटा ज्योग्राफी का, जो भी है जिस विषय पर 1-1 घंटा फिक्स किए, 6 घंटे टाइम डिवाइड किए, उसमें से प्रत्येक विषय से मान लो मैथ 1 घंटा, जैसे मान लो मेरा मैथ का टाइमिंग आ गया 1 घंटा पढ़ने का, तो मैथ से हम नोट से छांटेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट छांटेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट से 3 टाइप से छांटिएगा। पहले का चैप्टर सब पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम 10-12 को ऑब्जेक्टिव छांटिए, कम से कम उसमें 2 नंबरिया प्रश्न छांट लीजिए, कम से कम उसमें 5 नंबरिया प्रश्न छांट लीजिए। ऐसे हर चैप्टर से आपको करने हैं, हर विषय का हर चैप्टर से करने हैं। जो इस टाइप से बच्चा कर लिया ना, समझो कि वो इस साल के टॉपर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैटर्न में यही क्वेश्चन आएंगे, या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या 2 नंबरिया पूछेगा, तो 5 नंबरिया पूछेगा, यही तो प्रश्न पूछता है 3 टाइप से, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि 6 घंटे का टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, अब 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सुबह 3 घंटे पढ़िए, शाम को 3 घंटे पढ़िए। तो मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है कि आपको टॉपर बनना है, कमजोर है चाहे कुछ भी है, पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो 6 घंटे का टाइम टेबल बनाने हैं, उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट से नोट्स बनाना है, प्रत्येक सब्जेक्ट से नोट्स बनाने हैं। मतलब 1 घंटा मैथ पढ़े तो मैथ से सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स 3 टाइप से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया। इसी प्रकार से हर विषय से ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया का नोट्स बनाएंगे। और तीसरा काम, जो नोट्स बना रहे हैं उनका रिवीजन करते चलिए। ये नहीं कि मान लीजिए पहले का चैप्टर पढ़ लिए और उसका रिवीजन ही नहीं है, पहले का चैप्टर का नोट्स तैयार कर लिए ऑब्जेक्टिव का, 2 नंबरिया का 5 नंबरिया का, और कुछ समझ में नहीं है, याद नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिन चैप्टर्स का नोट्स तैयार कर रहे हैं उनका रिवीजन भी करते चलिए, उनको समझते भी चलिए, तब जाकर आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है। उसका चौथी बात, अपनी राइटिंग सुधार लेना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए राइटिंग अच्छी नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में उनका राइटिंग अच्छा होता है, इसलिए कमजोर विद्यार्थी के लिए सबसे सुनहरा अवसर यही है। तो मेरे कहने का मतलब, राइटिंग अगर अच्छी नहीं तो राइटिंग सुधार लीजिए, और राइटिंग स्पीड, रिवीजन जब करिएगा तो क्वेश्चन को हाली लिखिएगा, क्योंकि अगर राइटिंग स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। राइटिंग स्पीड का मतलब लिखने का स्पीड, अगर एग्जाम में आप 1 क्वेश्चन 1 घंटा लिखेंगे, 15 मिनट लिखेंगे, तो भैया सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो 5 काम करना, फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखो, पहले 6 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए, और प्रत्येक घंटे में यानी 1-1 घंटे कम से कम 1-1 विषय पढ़िए, और पढ़कर उनका ऑब्जेक्टिव का, 2 नंबरिया का 5 नंबरिया का नोट्स तैयार करना है, और फिर अलग टाइम से उनका क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। या मान लीजिए कि आज हिंदी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हिंदी पढ़ते, हिंदी का जितना भी आप नोट्स तैयार करें, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया, उनका कल रिवीजन कर जाएंगे, उनको याद कर जाएंगे, या अगले याद कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप प्रत्येक सब्जेक्ट पर टाइम भी डिवाइड किए, उनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटना है, 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव 5 नंबरिया, और फिर उनका रिवीजन कर लेना है, साथ में राइटिंग सुंदर कर लेना है और राइटिंग स्पीड को मेंटेन कर लेना है। ये 5 काम जो विद्यार्थी इस साल कर लिया ना, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, वो इस साल टॉपर बनेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएगा। अब जो विद्यार्थी कमजोर है और ये सोचता कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता हूं, अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकता हूं, या टॉपर नहीं बन सकता हूं, उन तक मेरी आवाज को पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चे और आज और अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। जय हिंद।